महीनों लंबी कवायद के बाद प्रियंका वाड्रा ने यूपी कांग्रेस को ठोक बजाकर अपने हिसाब से घालने की कोशिश की। अजय लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन ऐसा करते ही कांग्रेस में इस्तीफों का नया सिलसिला शुरू हो गया। इस्तीफा एक तरफ, कांग्रेस से नाराज होने वाले नेताओं की लिस्ट भी बड़ी होती जा रही है, जो सीधे सीधे कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। सलमान खुर्शीद का राहुल को लेकर दिया गया बयान हो, या फिर राजेश मिश्रा का सलाहकार समिति में शामिल होने से इनकार करने का मामला, सबके पीछे अजय लल्लू की नियुक्ति ही है। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में जितिन प्रसाद भी थे, उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की थी, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जितिन लोकसभा चुनाव के पहले ही पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने तब उन्हें रोका था। अब उनके पास कुछ करने को नहीं है। सूत्र बताते हैं कि कम अनुभवी लल्लू को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस में बगावत की स्थिति है। पूर्व विधान परिषद सदस्य सिराज मेहंदी ने इसी नाराजगी की वजह से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि नई कमेटी में शिया समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि इस समुदाय ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। मेहंदी ने कमेटी में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। संकेत साफ हैं, आने वाले दिनों में यूपी कांग्रेस में कई नए विवाद सामने आएंगे और नाराज नेता कांग्रेस छोड़कर जाएंगे।